किसे कहोगे बाबा? ये जो कोनस आर्टेरियोसस है और आर्ट्रा केफियन के बाद क्या बनता है? ट्रंकस आर्टेरियोस। देखो थोड़ा इस डायग्राम में बाबा, आप कहोगे कि ये जो पार्ट है इसको कहोगे साइनसस वेनोसस। साइनसस वेनोसस जो खोलती है वो एट्रियम में, मगर कौन से में? राइट एट्रियम में। इसको कहोगे राइट आरिकल और राइट एट्रियम। और ये आकर खुलता है किस में? वेंट्रिकल में, मगर मिक्स्ड जो हो जाता है। और यहाँ पर देखो ये इसको क्या कहोगे? ये है लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट एट्रियम। इसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से। कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड, पीछे पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दोनों जब कॉन्ट्रेक्ट करते हैं तो ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल में भेजते हैं, जबकि वेंट्रिकल के अंदर दोनों ब्लड आकर क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी चेम्बर, तीन चेम्बर है, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल मैन। मगर टोटल चेम्बर कितने होते हैं? पांच, एक साइनसस वेनोसस, एक ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो इसके अंदर ट्रंकस आर्टेरियोसस होगा, साइनसस वेनोसस होगा, दो एट्रियम होंगे, एक वेंट्रिकल होता है। इस तरह की हार्ट होती है एम्फीबियन के अंदर। तो इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होगी? एक और अब डायग्राम समझ लिया आपने। अ साइनस वेनोसस कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टू सुपीरियर वेना केवा एंड वन इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी सुपीरियर वेना केवा कितनी होती है? दो। इन्फीरियर वेना केवा कितनी होती है? एक। नीचे से एक आती है, ऊपर से दो आती है, मगर दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से लेके आती हैं। और दोनों किसके अंदर खुलेगी? साइनसस वेनोसस में। डीऑक्सीजनेटेड साइनसस वेनोसस किसको देगी? राइट एट्रियम को। और राइट एट्रियम किसको देगी? वेंट्रिकल। देखिए आगे, द साइनस वेनोसस पंप्स द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम को देती है और उसके बाद ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स पासिस डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है वाया पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस के जरिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, मगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम में था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोथ एट्रिया आरिकल्स पंप्स इनटू द सिंगल वेंट्रिकल वेयर बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस। दोनों के अंदर ये ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड। दोनों आकर क्या करते हैं? मिक्स होते हैं। किसके अंदर? सिंगल वेंट्रिकल के अंदर। इस तरह इनों के अंदर सर्कुलेशन होती है, मिक्स हो जाता है। मच ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डायरेक्टेड टू द लंग्स एंड स्किन। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एम्फीबियन क्या करते हैं? लंग्स को। पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपने पढ़ी, स्किन क्यूटेनस रेस्पिरेशन के जरिए पड़ी थी। यहाँ पर क्या करते हैं? क्यों देते हैं ज़्यादातर ब्लड इधर को? कि उसको क्यों देते हैं? वेयर इट कैन बी रिचार्ज विथ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये रिचार्ज होता है किसमें? ऑक्सीजन के साथ, और ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड इन टू द आर्टरीज। आर्टरीज को मिलती है, दैट कंडक्ट इट टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो देती है किसको? वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज को प्रोवाइड करती हैं ये। इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है एम्फीबियन में। आगे देखो, इन एम्फीबियन ब्लड फ्लोज थ्रू अ डबल सर्किट। इसके अंदर डबल सर्किट होती है, द पल्मोनरी सर्कुलेशन डिलीवर्स इट टू द लंग्स एंड स्किन, वाइल द सिस्टमिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। या क्या करती हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पीछे मैंने क्या कहा था? द ब्लड विच पंप्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स आर स्किन एंड फ्रॉम स्किन आर लंग्स ब्लड इज पंप्ड टूवर्ड द हार्ट, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाइल the blood that it pumps from the heart to the all parts of the body, it is called systemic circulation. देखो बाबा,
When the ventricle contract, it pushes the blood via truncus arteriosus. जब वेंट्रिकल पंप करेगी तो ब्लड किसको देगी? ट्रंकस आर्टेरियस को. टू कैरोटिड, टू सिस्टमिक एंड टू पल्मोक्यूटेनस आर्चेस. याद करना, यहाँ से यानी ट्रंकस आर्टेरियस से क्या निकलती है? अब दो कैरोटिड आर्टरी जो अपर पार्ट में लेके जाती है, टू सिस्टमिक जो नीचे सारे पार्ट को लेके जाती है, एंड टू पल्मोक्यूटेनस यानी लंग्स को भी देती है तो स्किन को भी देती है. वेंट्रिकल का क्या काम है कि किसको ब्लड देती है? देख लो बाबा, ये स्ट्रक्चर जो हमने देखी यहाँ पर आपने देखी कि ये जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब ब्लड किसको देगी? तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहाँ जाएगा? इसके अंदर, ट्रंकस आर्टेरियस में. अब ये ट्रंकस आर्टेरियस किसको देगा? ये दो देगा कैरोटिड आर्टरीज को. दो कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं और इसके अलावा दो इसकी पल्मोक्यूटेनस निकलती है और एक जो होती है किसको देता है? वेंट्रिकल. वेंट्रिकल जो ब्लड पहुंचाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दो कैरोटिड को, दो सिस्टमिक को और दो पल्मोक्यूटेनस, यानी छः यहाँ से आर्टरीज निकलती हैं. अगर स्ट्रक्चर यहाँ से बनाए तो छः आर्टरीज निकलेंगी, दो कैरोटिड, दो सिस्टमिक और दो पल्मोक्यूटेनस निकलती है. एक वेंट्रिकल लंग्स स्किन को भी देगा, ब्रेन को भी देगा और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सबको देता है वेंट्रिकुलर के कंट्रेक्शन से ब्लड जब निकलेगा. उसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर इसकी, आप देख रहे हो कि ये जो है बॉडी से आती है किसके अंदर? साइनसस वेनस से. साइनसस वेनस किसको देगी? राइट एट्रियम को. राइट एट्रियम किसको देगी? वेंट्रिकल को. वेंट्रिकुलर पंप करके किसको देगी? ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड है गोज टू द लंग्स आर स्किन. वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दो कैरोटिड, दो सिस्टमिक, दो पल्मोक्यूटेनस आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं. फिर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो आता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम किसको देगा? वेंट्रिकल को. वेंट्रिकुलर पंप करेगा दोबारा से पूरी बॉडी को दे. तो ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड इंटरमिक्स हो गया वेंट्रिकल के अंदर. इस तरह इनों के अंदर सर्कुलेशन होती है एम्फीबियन के अंदर. एम्फीबियन ब्लड को सर्कुलेशन इस तरह करवाते हैं. देख लो बाबा, जब कहेंगे कि हम रेप्टेलिया को देखते हैं तो रेप्टेलिया की हार्ट को हम कहेंगे एट्रोवीनस हार्ट. एम्फीबियन के भी और रेप्टेलिया के दोनों की हार्ट को क्या कहोगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर. क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ये जो हार्ट होती है वो पंप करती है, तो आप क्या कहोगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट होती है. देखो बाबा, रेप्टाइल्स आल्सो हैव अ डबल सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो. रेप्टाइल्स के अंदर भी डबल सर्किट ब्लड का फ्लो होता है, मेड मोर इफिशेंट बाय अ वॉल दैट पार्टली डिवाइड्स द वेंट्रिकल. ये इनों का जो हार्ट होती है वो पार्टली डिवाइडेड द वेंट्रिकल होती है. वेंट्रिकल इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, क्योंकि ये भी ट्राई चेंबर होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल. मगर जब आप रेप्टेलिया की हार्ट को देखोगे, द हार्ट कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट? 1, 2, 3, 4. इसके अंदर भी हार्ट के जो चेंबर होते हैं वो जो होते हैं वो पांच होते हैं, मगर हम नाम जो पढ़ते हैं वो कौन कौन से? एक साइनसस वेनोसस होता है मगर रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा दो एट्रिया होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है. इसके अलावा ट्रंकस आर्टेरियोसस जो एम्फीबियन में होता है, एम्फीबिया इवोल्यूट होकर रेप्टिलिया बनाते हैं, तो इसके अंदर जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है इज डिवाइडेड इनटू द टू सिस्टमिक आर्क एंड वन पल्मोनरी आर्क. दो सिस्टमिक आर्क और एक पल्मोनरी आर्क में. देखो बाबा, यहाँ पर ये होते हैं दोनों, जिसको आप क्या कहोगे? ये एट्रियम होते हैं. ये क्या है? ये इसको कहोगे, ये जो है ना साइनसस वेनोसस, मगर रिड्यूस फॉर्म में. उसमें बहुत बड़ी थी, इसके अंदर क्या है? छोटी है, तो रिड्यूस फॉर्म में है. साइनसस वेनोसस इज रिड्यूस फॉर्म. वेल डेवलप्ड साइनसस वेनोसस